उस साइड में भी सब मसाला साला रेडी करके रखी हुई है। सो आज बना रही है, अब इसको संध्या थोड़ा अलग तरह से बना रही है। खड़क सिंह को खड़कती है खिड़किया, हम डाल दे खड़कपुर मसाला। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आप सभी का जमशेदपुर फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बड़ी मस्त में हैं फ्रेंड्स। तो आज देखिए आज मेरे घर में क्या टेस्टी डिश बन रहा है, मेरी सिस्टर बना रही है। तो चलते हैं, देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो लेट्स गो फ्रेंड्स, देखते हैं। चलिए, पता नहीं मेरी सिस्टर क्या सब्जी बना रही है, आज बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, टेस्टी टेस्टी। चलिए तो देख लेते हैं, किचन में जाते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कढ़ाई वढ़ाई बैठा के तेल प्याज व्याज दे चुकी है, चना वना धो के रख रही है, और उस साइड में भी सब मसाला वसाला रेडी करके रखी हुई है। सो आज बना रही है संध्या स्पेशल डिश छोला। तो फ्रेंड देखिए किस तरह से सब्जी बना रही है, देखते हैं। क्या डाली है? अदरक लहसुन का पेस्ट। ये क्या मसाला बन रहा? ये धनिया पाउडर। तो देख सकते फ्रेंड्स छोला सब्जी में क्या क्या मसाला लगता है, आप देख लीजिए। पहले तेल प्याज मिर्चा, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद अभी धनिया पाउडर डाली है। अभी आगे आप क्या क्या मसाला डालेगी देखते रहिए। ये है जीरा पाउडर। कहाँ दिखा? देखे। अच्छा, ये जीरा पाउडर। देखिए ये चिकन मसाला। ठीक है। पहले मसाला भून के निकाल देंगे हम, फिर काबुली चना और आलू भून के फ्राई करेंगे इसको, फिर मसाला को करेंगे फ्राई दोनों मिक्स करके। ये देखिए छोला मसाला, ये है छोला मसाला। ये मसाला भरने से एकदम अच्छी सैंड आता है, सब्जी का स्वाद भी बढ़ जाता है। हाँ। देखिए टमाटर डाल दे रहे, टमाटर को सबसे लास्ट में डाले जाते क्योंकि ये गल जाता है ना पूरा मिक्सचर से। मिक्स कर देते, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना टेस्टी लग रहा मसाला, जब सब्जी बनेगा तो कितना टेस्टी लगेगा। नमक डाल देते थोड़ा सा टमाटर गलने के लिए, बस इतना काफी है मसाला भूनने के लिए। और अब ये मसाला भूनिएगा, उसके बाद फिर आगे देखिएगा क्या होता है, कैसे बनाती है। देखिए हल्दी हल्का से डालने, ज्यादा नहीं। ये खड़कपुर, खड़क सिंह को खड़कती है खिड़किया, हम डाल दे खड़कपुर मसाला। क्या बोली फिर से बोलना संध्या? खड़क सिंह को खड़कती है खिड़किया, हम डाल दे खड़कपुर का मसाला। ये मेरे किताब में था दो कम बोले। खड़कपुर की खड़कती है खिड़किया, हम डाल दे खड़क मसाला। मसाला डाल दे। अच्छा संध्या, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ एक बार बोलना। कच्चा पापड़ रुके बोलते हैं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। पकड़ पकड़ नहीं बोल रहे।
पापड़ बोल रहे हम भी बोल सकते हैं। हम बहुत देर तक बोले हैं, कोई कह रहा था कच्चा पापड़ पकड़ पकड़ बोल देता है। ये है कसड़ क्या, लाल मिर्च पाउडर। हाँ चलिए, और कुछ डालना है इसमें मसालों में? कुछ तो नहीं डालना है, हो गया। हाँ, इस मसाला मैगी मसाला डाल देते थोड़ा। इतना सारा मसाला लगता है इसमें? हाँ। अब इसको क्या करेगी, भूजेगी? इसको भूजते फिर अच्छा से फिर ये सब्जी को ढालेंगे, लोग काबुली चना और आलू को। ओके, तो इसको फ्राई होने देते हैं। हाँ, उसके बाद फिर आगे का रेसिपी दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं मसाला भुजा चुका है, तेल छोड़ दिया है। अब इसको संध्या थोड़ा अलग तरह से बना रही है, इसे खाली कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये तेल डाल दे रही है। देखिए काबुली चना ढाल दिए, अब इसको हम भून लेते हैं। आलू डाले, आलू डालो, आलू डालेंगे। रुकिए, अब देखिए इसमें हम आलू भी डाल देते हैं। देखिए ये दोनों को मिक्स करके भून रहे हैं। ऐसे ढालने में ना कि कच्चा नहीं रखता है, कलर को भून देना। देखिए फ्रेंड्स ये भुंजा गया है, अब हम इसमें जो मसाला भुंजे थे ना, अब वो हम डाल देते हैं इसमें। ठीक है, देखिए मसाला अब सबको मिला के मिक्स कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स मसाला जो भूंजा था उसको हम डाल दिए, अब उसको हम भून लेते अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। टेस्टी दिख रहा है ना फ्रेंड्स? ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। मेहनत से बना रहे आज हम। किस खुशी में बना रही? आज मेरे को ना मन कर रहा है खाने का, खाने का छोला। अब पूरी भी बनाए हैं हम, इसको क्या बोलते हैं? छोला नहीं, वाला जो है उसको क्या बोलता है जो इसे से है? काबड़ी चना। क्या बोलता है? काबड़ी चना। क्या बोलता है? काबड़ी चना। काबड़ी चना। हम्म, संध्या क्या बोलता है? मधु ए मेरा टकला बाबू। ए बुड्ढा क्या लाए बाबू? धनिया पत्ता बाबू। ताता बोल दो, हाय बोल दो। देखिए हाय कर रहे मेरे बाबू। बाबू ले लो, दे रहा धन दो बाबू। दीदी को धनिया पाउडर धनिया दो, दे दे बाबू, दे दे, दे बुआ को दो, दे दे। हाँ मेरे बाबू तो दे। बाबू हाय कर दो, इधर इधर बाबू हाय कर लो, बुआ को हाय कर दे। हाय बाबू। देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें धनिया पत्ता डाल रही है। धनिया पत्ता डालने से टेस्टी भी लगता है। अब इसको हम लोग अच्छा से भूज लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हम लोग का सब्जी हो गया, बस इसको थोड़ा सा दबकाना है क्योंकि चना हम लोग का पूरा सीज जाए अच्छी तरह से। तो उसके लिए हम लोग को पानी डालना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा पानी नहीं डालना, बस एक गिलास। ठीक है, बस देखिए इतना पानी डालना पड़ेगा और इसको हम लोग को डबकाना पड़ेगा। बाबू क्या खा ला? बाबू दे बाबू पूछ दे, दे बाबू पूछ दे। बाबू ऐसा कर दे, नहीं 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 कर दे, नहीं बोल दे। बाबू क्या पहना? धोती पहना बाबू। बाबू धोती पहना है। ओ
दे बाबू दे दे छोटे से दे दे नहीं नहीं बोल नहीं 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 दे बाबू एक दे बाबू दे हम खा ले बोल नहीं 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 ले ले नहीं 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 ले ले फ्रेंड देखिए हम लोग का सब्जी कंप्लीट हो गया है। देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। तो हम लोग का छोला कंप्लीट हो गया। झोला का छोला ये ना? हम बनाए अपना हाथों से। झोला का छोला बन गया। मेहनत की है छोला बनाने में। फ्रेंड्स आप लोगों का अगर संध्या का छोला अच्छा लगा होगा तो कमेंट लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स इससे भी अच्छा सब्जी अगर बना के दिखाएगी संध्या ना संध्या, तब तक के लिए मेरे ब्लॉग पर बने रहिए।